आगे क्या है हमारा इसमें, हमको हम देख लिए हैं पीछे कि हमारा चार प्रकार की चीजें इसमें दे रखी हैं। एक तो हमको दे रखा है एक्टिव न्यूक्लियोफाइल, क्या दे रखा है, एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। एक हमको दे रखा है न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट, न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट। एक हमको दे रखा है एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल और एक दे रखा है हमको इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट। ये चार प्रकार की चीजें हैं जो कि हमको यहां पर डील करना है, और इसी के बेसिस पे हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म डिसाइड होता है। इसी के बेसिस पे हमारा क्या डिसाइड होता है, रिएक्शन मैकेनिज्म डिसाइड होता है कि कौन सा रिएक्शन किस प्रकार का मैकेनिज्म दिखाएगा। तो हम ये आपको बता चुके हैं अभी कि किसको हम एक्टिव न्यूक्लियोफाइल कहेंगे, किसको न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट कहेंगे, किसको एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे और किसको इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट कहेंगे। ये चारों बात हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं, उसके एग्जाम्पल्स भी हम आपको दे चुके हैं। अब हम यहां पर ये देखते हैं कि हमारे रिएक्शंस किस तरह के प्रोसीड होंगे, तो इसमें पॉसिबिलिटी क्या है। एक चीज देखिए, इसको हम नंबरिंग दे देते हैं, इसको नंबर ए दे दो, इसको नंबर बी दे दो, इसको नंबर सी दे दो और इसको नंबर डी दे दो। अब हम ये देखेंगे कि ये ए बी सी और डी के बीच में रिएक्शन किस तरह से प्रोसीड होगी। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि आपका एक्टिव न्यूक्लियोफाइल जाकर कहां पर अटैक कर दे, इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट पे कर दे। मतलब एक पॉसिबिलिटी है ए के डी से मिलने की, किसे, ए के डी से मिलने की। और दूसरी पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, बी के सी से मिलने की, किसे, बी के सी से मिलने की। क्या हम बताना चाह रहे हैं, देखिए हम क्या कह रहे हैं, ये एक्टिव न्यूक्लियोफाइल है। एक्टिव न्यूक्लियोफाइल का मतलब ऐसी एसपीसी या वैसी इलेक्ट्रॉन रिच एसपीसी जो कि अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, या बहुत ज्यादा एक्टिव एसपीसी उसको हम कहेंगे, मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव इलेक्ट्रॉन रिच एसपीसी जो कि अटैक करके प्रोडक्ट बना सकता है, दैट इज कॉल्ड एक्टिव न्यूक्लियोफाइल। और एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल क्या हो गया, ये इतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट होगा। न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, लेकिन ये जो न्यूक्लियोफिलिक सबस्ट्रेट है ये एक्टिव न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में कम इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। एक्टिव न्यूक्लियोफाइल के कंपैरिजन में क्या है, कम इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, और एक्टिव न्यूक्लियोफाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। और ठीक उसी तरह से इसके बीच में भी कंपैरिजन है कि ये जो है एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल वो ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट है, और ये इलेक्ट्रोफिलिक सबस्ट्रेट जो है ये उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट नहीं है। तो जो इलेक्ट्रॉनिकली रिच है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट के साथ रिएक्शन होगा, और जो इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट है उसका इलेक्ट्रॉनिकली रिच के साथ रिएक्शन होगा। तो कभी भी ए का रिएक्शन बी के साथ नहीं होगा और सी का रिएक्शन डी के साथ नहीं होगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, सी और डी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशियंट है, और ए और बी क्या है, दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली रिच है। तो ए और बी के बीच रिएक्शन नहीं होगा, सी और डी के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। तो रिएक्शन किसके बीच में होगा, एक्टिव स्पीसीज का किसी सब्सट्रेट के साथ रिएक्शन होता है। तो एक्टिव स्पीसीज के लिए एक ही सब्सट्रेट है जो कि डी है, बी पे तो रिएक्शन देगा नहीं, क्योंकि बी कैसा है, बी आपका इलेक्ट्रॉनिकली रिच सब्सट्रेट है ऑलरेडी। और दूसरा इसका पॉसिबिलिटी बनता है किसके साथ, सी के साथ देने का। तो ध्यान रखिए कि जब भी दो एक्टिव स्पीसीज के बीच में हम रिएक्शन करवाएंगे तो डेट रिएक्शन इज कॉल्ड एसिड बेस रिएक्शन, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं उनको हम लोग जेरिवेटन ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो जब कभी भी एक्टिव न्यूक्लियोफाइल का एक्टिव इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन होगा, तीसरा अगर आप लिखना चाहें यहां पर ए और सी का, ए प्लस सी, तो एक ये ग्रुप हो सकता है। तो ये तीन तरह के रिएक्शंस यहां पर पॉसिबल हैं, जिसमें ये तो हम आपको बता ही दिए, क्या बोलते हैं इसको, एसिड बेस, एसिड बेस रिएक्शन।
और डेरिवेटिव ऑफ रिएक्शन। मेन हमारा फोकस होगा ए और मतलब इसके ऊपर और इसके ऊपर। देखिए एक बात का ध्यान रखिएगा कि किसी भी जगह पर दो चीजें होगी किसी भी रिएक्शन में, एक तो सबस्ट्रेट होगा और दूसरा आपका एक्टिव स्पीसीज होगा। क्या होगा? एक सबस्ट्रेट होगा और दूसरा आपका एक्टिव स्पीसीज होगा। तो किसी भी रिएक्शन में आपका जो मैकेनिज्म डिसाइड होगा वो एक्टिव स्पीसीज डिसाइड करता है, ना कि आपका सबस्ट्रेट डिसाइड करता है। तो हम ये देखेंगे कि इसमें कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए कि ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में एक्टिव स्पीसीज कौन सा है? ए और डी के बीच में हमारा एक्टिव स्पीसीज है ए, और क्या है? न्यूक्लियोफाइल है। तो ए और डी के बीच में जितने भी रिएक्शंस होंगे वो सारे रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक टाइप के होंगे। किसके होंगे? न्यूक्लियोफिलिक टाइप के होंगे। तो अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं पर अटैक करेगा तो वो क्या क्या कर सकता है? या तो वो जुड़ेगा या फिर वो किसी को रिप्लेस करेगा। क्या कितनी पॉसिबिलिटी है? दो पॉसिबिलिटी है। अगर न्यूक्लियोफाइल कहीं पर जाएगा तो उसकी कितनी पॉसिबिलिटी बनेगी? दो पॉसिबिलिटी बनेगी। पहली जो पॉसिबिलिटी होगी वो जुड़ने की पॉसिबिलिटी होगी, और जहां कहीं पर जुड़ेगा तो उसको हम लोग कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है। और दूसरा आपका क्या होगा? हटने की पॉसिबिलिटी होगी, मतलब किसी को रिप्लेस करके लगने की पॉसिबिलिटी होगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्या कहेंगे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। एक क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और दूसरा हो गया हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, ये भी आगे इसका भी कैटेगराइजेशन होगा। ये एक ही प्रकार का होता है, सिर्फ एलिफेटिक, एलिफेटिक, इसमें कोई दूसरी कैटेगरी नहीं होती है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि किसी भी जगह पर एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग कभी भी आपका एडिशन रिएक्शन शो नहीं करता है, इसलिए हम लोग एडिशन सिर्फ न्यूक्लियो ये एलिफेटिक का पढ़ते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होगा वो सिर्फ एक टाइप का होगा, विच इज एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दूसरा हमारा है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन जो है ये भी आगे दो टाइप का होता है। कितने टाइप का? दो टाइप का होता है। एक जो इसमें आपका होगा, एक जो इसमें होगा, एक होगा एलिफेटिक, एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जिसमें आप लोग पढ़ते हैं ये SN1, SN2, SNI, NGP, ये सारी चीजें आ जाती हैं एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। और दूसरा आपका है इसमें एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है दो तरह का, एक एलिफेटिक का और दूसरा एरोमेटिक का। अब हम आते हैं अगले पर। अगला हमारा क्या है? अगला है हमारा बी और सी के बीच में। किसके बीच में? बी और सी के बीच में। तो यहां भी दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन सा? एक एडिशन और दूसरा क्या? सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें भी देखिएगा आप लोग, नंबर 3 दे दीजिए इसको। तो अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो क्या क्या हो सकता है इसमें? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी होगा तो वो भी सिर्फ एक टाइप का होगा, डेट इज एलिफेटिक। क्या होगा? एलिफेटिक। ये भी एरोमेटिक नहीं होता। और दूसरा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन,
क्या हो जाएगा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आपका दो तरह का हो सकता है, एक तो आपका होगा एलिफेटिक, एलिफेटिक, और दूसरा आपका होगा एरोमेटिक। ठीक, तो इसमें एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है। क्या एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, तो इसको आप लोग क्रॉस कर लीजिएगा, तो यह मैकेनिज्म आपकी नहीं होगी, क्रॉस कर लीजिए इसको। अब देखिए, अगर हम लोग मैकेनिज्म के बेसिस पर यह देखें कि हमारे कितने टाइप के मैकेनिज्म हो गए, तो हम थोड़ा कैटेगराइजेशन कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारा होगा वो हमारा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, तो इसको आप लोग टाइप ए दे दीजिए या टाइप फर्स्ट दे दीजिए। दूसरा हमारा हो जाएगा एलिफेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये मैकेनिज्म आपका टाइप सेकंड हो जाएगा। तीसरा आपका दे रखा है एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये आपका टाइप थर्ड हो जाएगा। चौथा आपका हो जाएगा एलिफेटिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ये आपका टाइप फोर हो जाएगा। और आखिरी आपका हो जाएगा लास्ट में एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये आपका टाइप पांच हो जाएगा। तो ये आपका यही पांच तरह का मैकेनिज्म है जो कि यहां पर फॉलो होता है, और इसके बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, कुछ टाइप ऑफ सबस्ट्रेट दे रखे हैं। इस सारे टाइप ऑफ सबस्ट्रेट में आप ये बताइएगा कि इन चारों में से ये किस कैटेगरी को सूट करता है चारों सबस्ट्रेट, और उसके बाद आप ये भी बताइएगा कि इस चारों सबस्ट्रेट में इस कैटेगराइजेशन के बाद कि कौन सा मैकेनिज्म सूटेबल हो सकता है, इन सारे मैकेनिज्म में कौन सा मैकेनिज्म इसके ऊपर सूट करेगा। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अब इस सब में एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि हम कहीं पर एडिशन या सब्स्टिट्यूशन की बात क्यों कर रहे हैं, किस जगह पर हम यह कहेंगे कि एडिशन हो रहा है और किस जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो ध्यान रखिएगा, अगर किसी जगह पर सबस्ट्रेट के ऊपर लीविंग ग्रुप लगा हुआ हो तो उस जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन करवाएंगे, और अगर कहीं पर लीविंग ग्रुप नहीं हो लगा हुआ, डबल बॉन्ड लगा हुआ हो, तो उस सबस्ट्रेट पर हम लोग एडिशन करवाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं हम लोग।